लगातार दिल्लियों के ऊपर बुलडोजर 3 महीने के अंदर हाथ फेरा जा सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर क्या है कि एक प्रोटोकॉल इन प्लेस है, एक डिविजन बेंच का डिसीजन ऑन प्लेस है, तो क्यों नहीं इन सब लोगों की सुनी गई। हमें खुशी है कि आज पहली कदम के ऊपर हमें एक सफलता मिली है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का और अभिषेक सिंघवी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करी, क्योंकि ऑलरेडी डेमोलिशन चल रहा था सब जगह के ऊपर, और 3 महीने के अंदर अंदर का जो पीरियड दिया गया है, 48,000 झुग्गियां यानी 3 लाख लोग उनके सरों पे, गरीब लोगों के सर के ऊपर से छत हट जाती है। जब 2013 में हम छोड़ करके गए थे, आप हैरान होंगे, इस वक्त 35,000 फ्लैट खाली पड़े और 16,000 फ्लैट बन रहे हैं, जिसको हम सैंक्शन हम 2013 में करके गए। 51,000 फ्लैट के पैसे केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपने समय के ऊपर 1300-1400 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार को दे चुके हैं। 3600 करोड़ की स्कीम हम लोगों ने पास कर दी है, लेकिन ये फ्लैट खाली पड़े हैं, फ्लैट इनसे अलॉट नहीं हो रहे। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। 31 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच ने दिल्ली के अंदर 48,000 झुग्गियाँ जो कि रेलवे लाइन के आसपास हैं, इनको बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इनके खिलाफ में एक्शन लेने के आदेश दे दिए थे। 2 हफ्ते हो गए, दुख की बात यह है कि ना तो दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार, दोनों ने सुध नहीं ली, आपस में बयानबाजियाँ होती रहीं, और किसी ने भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब 3 जजेस के बेंच के ऑर्डर्स हैं तो वो कानून है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से ही इसको निरस्त ना किया जाए जब तक के इनको कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन केवल बयानबाजी आपस के अंदर ये करते रहे। लिहाजा हम लोगों ने तय किया और मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली, अमन पवार जी ने उसको तैयार किया और आज अभिषेक सिंघवी जी ने उसको आर्ग्यू किया, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसकी जल्दी हियरिंग दी, अभिषेक सिंघवी जी का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कोर्ट के सामने रखा। लिहाजा केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल ने इस बात को माना कि कोई भी एक्शन 4 हफ्ते तक नहीं लिया जाएगा, और जब तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इसके ऊपर फैसला करेंगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर सीमेंट गोदाम में एक बहुत ही छोटे बच्चे की छत के नीचे इसी प्रकार की डिमोलिशन में दब करके मृत्यु हो गई थी। राहुल गांधी जी वहां पर गए थे, मैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष वहां पर गया, और राहुल गांधी जी ने मुझे कहा कि इन लोगों के मसले को आप हाई कोर्ट में या कोर्ट में क्यों नहीं डालते। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर फॉर्मर हाउसिंग मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के, मैंने वहाँ पर हाई कोर्ट में जब डाला तो डिविजन बेंच ने 2019 मार्च आते आते 4 साल में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया डिवीजन बेंच जस्टिस मुरलीधर के, और उन्होंने राइट टू सिटी, शहर के अंदर लोगों का अधिकार, गरीब लोगों का अधिकार के नाम से ये जजमेंट मशहूर है अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, और उन्होंने कहा कि इन गरीब लोगों का शहर में अधिकार है, शेल्टर का अधिकार है, छत का अधिकार है, यह डिवीजन बेंच ने कहा। और साथ ही साथ में डिवीजन बेंच के आदेश में एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया कि कहीं पर भी झुग्गी वालों को अगर हटाया जाएगा तो पहले उनका सर्वे होगा, सर्वे के बाद में उन लोगों में चिन्हित किया जाएगा जो कि कट ऑफ डेट से पहले की झुग्गियां हैं, उन सब लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करी जाएगी, और जब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी, कोशिश करी जाएगी कि वहीं पर इंसीटू उनके लिए व्यवस्था हो, नहीं तो नज़दीक में हो, और जब ये व्यवस्था हो जाएगी जब ही उनके खिलाफ में एक्शन होगा। यह प्रोटोकॉल तैयार दिल्ली हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच में उस याचिका के तहत कहा, जिसका डिसीजन, जिसका जजमेंट मैंने कहा कि मार्च 2019 के अंदर आया। तो हमने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस प्रोटोकॉल को तय करने में दिल्ली सरकार और रेलवे दोनों के दोनों शामिल थे, और दोनों की हामी थी, रजामंदी थी, और इसी वजह से रेलवेज ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया डिवीजन बेंच के जजमेंट को। जब रेलवेज ने इसको चैलेंज नहीं किया,
ये प्रोटोकॉल तय हो गया, दिल्ली सरकार में इसके अंदर शामिल थी। तो जब 31 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा ये आदेश दे रहे थे कि 48,000 झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर 3 महीने के अंदर फेरा जा सकता है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर क्या है कि एक प्रोटोकॉल इन प्लेस है, एक डिविजन बेंच का डिसीजन ऑन प्लेस है, तो क्यों नहीं इन सब लोगों की सुनी गई? और दूसरा, इन झुग्गी वालों का कोई नुमाइंदा वहाँ पर नहीं था, तो जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, जब हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई, हम लोग जो कि रेलवे के खिलाफ पहले ये केस जीत करके जा चुके हैं, जब सुनवाई नहीं हुई तो कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरफा फैसला 31 अगस्त का हुआ? हमें खुशी है कि आज पहली कदम के ऊपर हमें एक सफलता मिली है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का और अभिषेक सिंघवी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई करी, क्योंकि ऑलरेडी डेमोलिशन चल रहा था सब जगह के ऊपर, और 3 महीने के अंदर अंदर का जो पीरियड दिया गया है, 48,000 झुग्गियाँ यानी 3 लाख लोग, उनके सरों पे, गरीब लोगों के सर के ऊपर से छत हट जाती। आज हम लोगों को खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी इसकी सुनवाई करके इसका फैसला किया है। मैं इसके साथ में एक और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सिर्फ हम लोग 2015 से कोर्ट के अंदर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे, इससे पहले UPA 1 और UPA 2 में बतौर शहरी विकास मंत्री JNNURM दिल्ली के लिए हम लोग लेकर के आए, और बतौर हाउसिंग मिनिस्टर मैंने इसके लिए दिल्ली के लिए सैंक्शन किया। आप लोग हैरान होंगे कि दिल्ली के लिए 2007 फरवरी से लेकर के 2013 जून तक हमने 67,784 फ्लैट्स बनाने के लिए पैसे राजीव आवास योजना और JNNURM के अंदर दिल्ली सरकार को सैंक्शन करके दिए। लगभग 3,600 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए, जिसमें 1,500 करोड़ रुपये ACA एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट के तौर पे केंद्र सरकार को देना था, जिसमें से लगभग 1,300 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास में आ चुका है। आप हैरान होंगे कि यह 67,000 झुग्गियों में से अब मात्र 54,000 झुग्गियाँ बननी, और 54,000 झुग्गियों में से जब 2013 में हम छोड़ करके गए थे, आप हैरान होंगे इस वक्त 35,000 फ्लैट्स खाली पड़े हैं, और 16,000 फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसको हम सैंक्शन हम 2013 में करके गए। 51,000 फ्लैट्स के पैसे केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपने समय के ऊपर 1,300-1,400 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार को दे चुके हैं। 3,600 करोड़ की स्कीम हम लोगों ने पास कर दी है, लेकिन ये फ्लैट खाली पड़े हैं, फ्लैट इनसे अलॉट नहीं हो रहे, और 7 साल हो गए ये 35,000 फ्लैट खाली पड़े हैं, अलॉट नहीं हो रहे। यही नहीं, 16,000 फ्लैट जो बन करके तैयार हो जाने चाहिए थे, आज 51,000 फ्लैट दिल्ली सरकार को जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत, राजीव आवास योजना के तहत हम दे करके पैसा चले गए, और इनसे ये फ्लैट बन करके एक भी फ्लैट इन लोगों से अलॉट नहीं हो रहा। इससे ज़्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती। तो ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो रेलवे के खिलाफ हम लोगों ने आज जो याचिका डाली, रेलवे खुद इस बात को मान गए कि वो पहले प्रोटोकॉल के आधार के ऊपर ही वो दिल्ली सरकार से डिस्कस करेंगे और इस पे फैसला करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रोटोकॉल डिवीजन बेंच के सामने तय हुआ, जिसको चैलेंज रेलवे ने नहीं किया, उस प्रोटोकॉल को माना जाएगा, और जब तक के ये गरीब लोगों को वहीं के वहीं इन सीटू रिहैबिलिटेशन ना हो, जब तक के इन सब लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जाना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना, और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये 31 अगस्त को निर्णय आ रहा था तो वो चुप क्यों थे? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था वो बताएं कि ये प्रोटोकॉल है, ये स्कीम है, और जब तक ये स्कीम और प्रोटोकॉल को नहीं माना जाएगा, जब तक के कोई भी एक्शन कोर्ट नहीं ले सकती है। और यही नहीं, 14 दिन गुजर गए, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था। जब 3 जजेस के बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा के आदेश हैं, तो सिर्फ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेटर केंद्र सरकार से लिख करके, वो सब चीज़ें सॉल्व नहीं होती। कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।